मेरी शादी होने से पहले ही टूट गई टूट गई तो शादी हुई थोड़ी मैडम अभी दो दिन पहले ही तो होने से पहले ही तो टूट गई वही अच्छा। तो बोल रही हूँ ये, अच्छा। जव... ये पैसे मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि देखो मैं बहुत पहले भी जितने भी बंदा है तो मैं यही कहूंगी कि ये पैसे जो है ना आप अपने पास रखो इससे अपने घर की जो भी है कंडीशन उसको थोड़ा सही करो मैडम क्यों क्योंकि हम इनको आप, हम अपने साथ रखना चाहते हैं गांव में जी ये मना कर रहे हैं जी इसलिए हमने ये शादी नहीं करवानी अभी ये बताइए लड़का ढूंढना हाँ, है, है। <laughs> <laughs> की, की या महंगी गाड़ी है तो वो गाड़ी मिलेगी और भाई दूसरा क्या है प्रॉपर्टी है ठेका भी मिलेगा तो भाई आज फिर से मैडम ने बुलाया शादी की डेट बताने वाले हो आप मुझे माइक ले लो माइक ले लो मूड खराब है मेरा कोई शादी की डेट वेट में निकल रही है मेरी मेरी शादी होने से पहले ही टूट गई टूट गई तो शादी हुई थोड़ी थी मैडम अभी दो दिन पहले ही तो होने से पहले ही तो टूट गई वही अच्छा। तो बोल रही हूँ हां हो मतलब फिर मतलब कैंसिल कर दिया क्या लड़का कैंसिल नहीं करा उनकी बड़ी बहन आई थी और अभी भी हैं यहाँ पे उनसे अच्छा, भी करते हैं बात उन्होंने आके बोला कि अगर आपने मेरे भाई से शादी करनी है तो आप हमारे साथ हमारे गांव में रहोगे अच्छा, आपको लेके जा रहे थे हाँ अच्छा, तो भाई साफ सीधी बात है मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई हमें तो घर जमा ही रखना है ठीक है मैं ऐसे कैसे और मैंने तो गाँव की लाइफ कभी देखी ही नहीं है तो मैं ऐसे कैसे गाँव में जाके रह लूँगी चीज समझ में नहीं आ रही मुझे एक चीज बताना की मतलब इतनी प्रॉपर्टी लेके इतना करोड़ों रूपए आने के बाद तो बंदा रह सकता है थोड़े दिन बाद तो वैसे भी मूड चेंज हो जाता है वाइफ का भी चलो चल पड़ते है ना कुछ भी बात हो सकती है तो बहन ने मना क्यों एक बार कहा अच्छा, 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 अच्छा। <coughs> जी, जी। तो बढ़िया हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, तो भाई क्या इशू हो गया भाई क्यों शादी नहीं कर रहे हो पता <coughs> ये बम्पर लॉटरी है मतलब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सारी जिंदगी बदल जाती है आपकी तो परिवार तक की जी सर बदल जाएगी लेकिन हमारी बहन है ना ये और एग्री इसलिए नहीं आपको पता हम गरीब परिवार से बिलोंग हाँ हाँ करते हाँ हैं हाँ, हाँ, है। और अब मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरे मम्मी पापा है अच्छा और मैं उनका की लोता हूँ इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। चलो मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन करूंगा कर कर ये बताओ नमस्ते। कि आपको शायद नहीं पता कि ये जो बहुत करोड़पति बैकग्राउंड है दस पंद्रह लाख रुपए कैश भी दिया प्रॉपर्टी तो उन सबको क्यों ठुकरा रहे हो आप ये बताइए पहली बात तो ये है इकलौता भाई है जी और मेरे मम्मी पापा ये अलाउड नहीं करते क्यों मैडम क्योंकि हम इनको आप हम अपने साथ रखना चाहते हैं गाँव में जी ये मना कर रहे हैं जी इसलिए हमने ये शादी नहीं करवानी तो मतलब आप यहाँ लड़के को नहीं रहना देना चाहते लड़की को नहीं, नहीं? हम अगर लड़की मेरे साथ गाँव में रहेगी मेरे परिवार के साथ जी। आ, तो हम अलाउड करते हैं शादी को हाँ। अगर जी ये यहाँ रखना चाहते तो हम अलाउड नहीं करते मैडम इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है गाँव में कैसे जा सकती है नहीं हमारे तो मम्मी पापा का एक लौता बेटा है ये तो हम कैसे यहाँ रखेंगे तो फिर भाई जब आपको शादीवादी का ऐसा सीन था तो आपने मतलब क्यों इनसे कांटेक्ट किया और कैसे कांटेक्ट हुआ बताओ सर कांटेक्ट तो ऐसा था ना मैं रात को फेसबुक चला रहा था फेसबुक पर जैसे वीडियो देखी की और वीडियो देखने के बाद मुझे वीडियो अच्छी लगी तो मैंने स्टार काफ़ी सारे भेज दिए बस उस स्टार भेजने के बाद

तो भाई यार माइक इनको दे दो चलो आपसे तो क्या ही बात करें अपनी मैडम मैडम से बात करते हाँ हैं तो पैसे वैसे भी उनको आपने देते प्रॉपर्टी हाँ तो कोई नहीं बात नहीं मैंने सब कुछ ना दे दिया था मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं बस जो मैंने महा और उनकी सिस्टर के लिए हाँ, हाँ। जो गोल्ड बनवाया था बस मुझे वो वापस दे दे क्योंकि वो मैंने स्पेशल उनकी माँ और बहन के लिए रखा था और उनके पैसे वैसे सब रख के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ तो इन्होंने खर्च भी कर दिए होंगे भाई तो एक बार बताओ ज्वेलरी आप कब तक दे दोगे घर पे रखी होगी

ना? बस मम्मी पापा के लिए ना गाँव में चलो कोई बात नहीं समझ गया मैं आपको मतलब मम्मी पापा की वजह से छोड़ नहीं सकते आप घर के एक लौते हो आपकी बहन भी नहीं चाहती की आप जाओ तो so, मैडम आप क्या काम न करोगे भाई लड़का अच्छा मिले इनको आगे ये दुआ करेंगे वही लड़का इसको अच्छा मिले और खुश रहे फैमिली फैमिल के साथ चलो मैडम इतने खुशी से मतलब आपको दुआई दे रही है चलो मतलब आपकी पहले बात हो हो चुकी है वैसे गया ना हंजे, हंजे। तो भाई पैसे ले लो मैडम फिर ये पैसे पहले अपने अरे यार अरे मैडम कितना प्यारा मेचरा सिद्धार्थ हाँ हाँ कितना बड़ा दिल है मतलब मम्मी पापा के बारे में सोचा शादी नहीं करी कोई बात नहीं पैसे रखो अपनी मम्मी पापा के लिए करो गाँव से आए तो राहुल वैसे पसंद आ गया था आपको चलो मतलब अभी पैसे इनको दे दिया आपने आई थिंक पाँच छह लाख रुपए हो गए ना तो ज्वेलरी भाई आप कल तक इनको दे देना शाम तक जैसे भी आपकी डील हो जाए ठीक है चलो मैं इनसे कुछ बात कर लेता पर्सनल में आप जाइए ठीक है मैडम ओके तो मैडम अभी क्या करना है ये बताइए रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी बात भी मुझे अच्छा ओहो

शादी करना चाहती हूँ वो नशे करता हूँ hmm. कैसे भी नशे करता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी है फ्लैट है पैसा है कितने की प्रॉपर्टी है।, है करोड़ों की प्रॉपर्टी है हाँ। पैसा भी बहुत है, देख लिया वो तुमने तो जी मैडम है? सब कुछ उसके नाम करवा कर मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ भाई अभी देखो पाँच छह लाख रुपए मैडम ने उनको दिया ऐसे पैसे बहुत दिख चुके हैं जो नए व्यूवर्स है जो पुराने हैं तो भाई पुराने वालों के लिए लो लोटरी अभी भी खुली हुई है और स्टार भेजना और मैडम की भाई पीस पच्चीस लाख रुपए की या महंगी गाड़ी है तो वो गाड़ी मिलेगी और भाई दूसरा क्या है कि प्रॉपर्टी है ठेका कल वीडियो डाली तो जाके देख लेना तो दोनों, दोनों पहले आप कह रहे थे ना कि अगर उसकी शा, मेरी शादी नहीं उसकी कर देंगे लोग अब तो दोनों आ गए अब एक साथ एक साथ दोनों बहन रिक्वायरमेंट डालो किसी वीडियो में या अलग अलग ही चलने दूंगे साथ भी डालनी पड़े चल अभी ये बोल दो उसके लिए भी ढूंढ ले लो मेरे लिए भी ढूंढ लेना स्टार भेजो जो भी आप फटाफट ढूंढ दो <laughs> चलो मैडम कोशिश करते हैं कि आपको लड़का मिल जाएगा ठीक है ओके अभी ना बैठ के बात कर लेते थोड़ा सा ना ओके ओके